वेलकम एक और शानदार वीडियो में दोस्तों। और आज इस वीडियो में अपन बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसकी सभी लोगों की जरूरत होती है, वो है अपने यूट्यूब की भाई अर्निंग। अगर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया है और हर मंथ में यार पेमेंट नहीं आता है तो कुछ थोड़ा सा यहाँ सुना सुना सा लगता है, राइट। और पेमेंट कब आएगा? जब आपके वीडियो पे व्यूज आएंगे। वीडियो पे व्यूज आएगा, पेमेंट आएगा, ये कॉमन सारे दुनिया में सारे लोगों को मालूम है। क्या आपको ये बात पता है कि 200 व्यूज में ही $1 आएंगे? क्या आपको ये पता है कि आप अपने चैनल की RPM को बढ़ाया जा सकता है? ये देखो मेरा मेन चैनल की RPM है, कितना कम है, कितना कम है। आप प्लीज मुझे कमेंट करके पर्सनली बताना कि आपके चैनल की RPM कितना है। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं ताकि अगर जिसका सबसे ज्यादा RPM कम होगा उसके चैनल को मैं दबा के यार प्रमोशन भी करने वाला हूं। प्रमोशन इसलिए ताकि मैं यार सपोर्ट करूंगा ताकि उसे भी कुछ मिले। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं। ट्रिक नहीं यार, ये बिल्कुल एक वर्क है, एक बिल्कुल एक जेन्युइन एक तरीका है। अगर आप इसे करते हो तो चैनल मोनेटाइज होने के बाद अगर आप 5 पैसे 10 पैसे 20 पैसे अर्निंग करते हो, 5 महीने के बाद पेमेंट आता है, 1 साल पेमेंट आने में लग जाता है, पिछला पेमेंट कब आया था वो आपको याद ही नहीं है, तो यार यूट्यूब पे काम करने में इतना मजा भी नहीं आता है। तो वीडियो को ध्यान से देखना। अगर हमारे इस चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे यार हमेशा ऐसे ही आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस वीडियो बनाने का सिर्फ 2 ही मकसद है। पहला मकसद ये कि जो लोग बहुत ज़्यादा मुझे इंस्टाग्राम पर बोलते हैं कि प्लीज़ भैया मुझे प्रमोट कर दो, सपोर्ट कर दो, मैं बहुत ही गरीब हूँ, तो मैं इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक मकसद ये है कि चैनल उन लोगों का मोनेटाइज हो जाता है। वीडियो में भी यार 15 आता है, 20 आता है, 50 आता है, 100 कंप्लीट होने के बाद ही आपके एडसेंस में जो पेमेंट है आपके बैंक में आता है, और 100 जो डॉलर है वो कंप्लीट करने में काफ़ी लोगों को बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है। तो पहला मकसद ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि आपकी अर्निंग आपकी चैनल की ज़्यादा हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा। और दूसरी आम मकसद ये है कि जो लोग मेरे YouTube फैमिली यानी मेरे इस चैनल पे जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा जरूरी मैं समझ रहा हूँ कि ताकि भाई आप भी कुछ अर्निंग एक्स्ट्रा जनरेट करो अपने YouTube चैनल से। तो इसमें क्या करना होगा, ये जो सेकेंड चैनल है उसकी RPM ये देखो ये कितनी ज्यादा हाई है। ये स्क्रीनशॉट नहीं है, मैं देखो बार बार मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, ये एक वीडियो का एक स्क्रीन रिकॉर्डर के क्लिप है जिसे मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल ट्रूली आपको यकीन आए कि जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं वो बिल्कुल सही है। यानी कि $1 से ज्यादा, यानी किसी किसी दिन, यानी मैं आपको बता दूं कि $2 $1.5 $3 तक RPM जाता है मेरे सेकेंड चैनल की, राइट है। तो ये सब कैसे हो रहा है? अब ये सब इसलिए हो रहा है ताकि देखो जो मेरा ये मेन चैनल है इसके ऊपर मैं सिर्फ YouTube के टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो देता हूं। मतलब फाइनली दोस्तों ये कि यहाँ पे YouTube के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाता हूं, तो एज पर ब्लॉगिंग, एज पर कॉमेडी, एज पर फनी, कुकिंग के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये टेक की अर्निंग अच्छा है, उसके हिसाब से देखा जाए तो ये अच्छा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इससे भी अच्छा हमारी अर्निंग हो बिल्कुल लो व्यू पे, तो उसके लिए आपको भाई थोड़ा सा अलग हटके काम करना पड़ेगा, जो मेरे मेन चैनल पे नहीं वो मेरे सेकेंड चैनल पे वो देता हूं। क्या है वीडियो, एक बार जरूर जाके मेरे सेकेंड चैनल पे विजिट कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने सेकेंड चैनल का लिंक दिया है, आप उस पर विजिट कीजिए। मैं किस तरह से कंटेंट बनाता हूं आपको समझ में आ जाएगा। और आप अपने चैनल की अर्निंग बढ़ाना चाहते हो तो दूसरा यहाँ कोई भी तरीका नहीं है, कोई भी ऐसा सेटिंग नहीं है कि आप जाओ और गूगल एडसेंस में आप अपने अर्निंग को हाई इंक्रीज कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये सबको डिपेंड करता है कि आपकी कीवर्ड क्या है, किस कीवर्ड पे आप वीडियो बना रहे हो। तो मेरा मानना यह है कि आप अगर इंटरनेट पे यूट्यूब पे अगर आए हो तो अपनी मेन जो चैनल है, यानी आपकी जो चैनल है, अगर माना कि आपकी वीडियो, मतलब जिस तरह से मैंने सेकेंड चैनल पे वीडियो अपलोड किया है, अगर आप देखते हो और कहोगे कि यार उस चैनल की जो वीडियो है थोड़ी सी अलग टाइप की है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे नॉलेज शेयर करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा टेंशन होगा वीडियो को बनाने में, शूट करने में, तो मैं आपको बता दूं कि हफ्ते में 1 से 2 वीडियो डालना अपने मेन चैनल पे, बस इससे ही आपकी जो RPM वो मिलता जुलता बहुत ही बेटर चलने वाला है। अगर आप भी ऐसा व्यूज़ बढ़ाए, सब्सक्राइबर बढ़ाए, ये बढ़ाए, वो बढ़ाए, अगर ऐसा आप करते हो तो बिल्कुल ये कुछ होने वाला नहीं है, मतलब 5 महीने 6 महीने में ऐसे ही आपकी अर्निंग होने वाली है, क्योंकि आपके चैनल पे दबा के व्यू नहीं आता है। आई होप कि जो भी कुछ मैंने बताने की कोशिश किया और आपको समझ में भी आ गया होगा, फिर भी किसी तरह से डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। फिलहाल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसलिए बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यार लाइक करना, अभी तक शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर भी कर देना, फेसबुक पे शेयर कर देना और इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर देना, ताकि आपका कोई दोस्त है तो उसे समझ में आए। वेल इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।